दिया जलकर रोशनी फैलाकर अंधकार मिटाने का काम करता है। कुछ दिए केवल रोशनी फैलाकर थोड़े समय बाद बुझ जाते हैं, लेकिन कुछ दिए खुद भी रोशनी फैलाते हैं और हजारों दियों को रोशन कर एक सार्थक मकसद निभाते हैं। हमें भी अपने अपने जीवन में सिर्फ रोशनी फैलाने वाला ही नहीं, बल्कि हजारों और दियों को रोशन करने वाले दिया बनना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने समीरपुर स्थित अपने आवास पर हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करने के उपरांत ये संदेश दिया है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रयास संस्था महिलाओं को उद्यमिता एवं स्वरोजगार अपनाने की दृष्टि से एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग का अवसर लेकर आई है, जिसके तहत 20-20 महिलाओं को दोहरे समूहों में एक बार में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। क्षेत्र की महिलाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रयास संस्था द्वारा पहले भी चलाए गए हैं, वे आगे भी चलते रहेंगे। इस ट्रेनिंग का लाभ ग्राम पंचायत भरेड़ा, कक्कड़, पुरली, ऊटपुर, खैरी, खनोली एवं जंगल पंचायतों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी युग की शुरुआत के साथ जहां बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम करना तो आसान हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक आर्टिफिशियल युग की शुरुआत भी हुई है। सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। आर्टिफिशियल चीजों में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन योग्यता नहीं आती। खुद अपने हाथ से बनाई और सिखाई चीजों में एक और जहां विश्वास बढ़ता है तो दूसरी ओर वे असर भी बढ़िया करती हैं। चंबा का रुमाल आज भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। कला की एक बहुत बड़ी मिसाल उसको समझा जाता है। प्रशिक्षु महिलाओं को प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वे सब लोग मन लगाकर सीखें और हुनरमंद बने। हुनर अच्छा होगा तो कलाकृतियां निखरेंगी, तो न केवल अपने परिवार व प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में नाम रोशन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। तो हम आर्टिफिशियल कृत्रिम दुनिया में खो गए, बना बनाया मिलना शुरू हो गया। बड़े बनाए में पैसा लगता है, योग्यता नहीं आती। अपने हाथ से जो आप बनाएंगे सिखाएंगे उसका असर भी बहुत होगा और लोगों का विश्वास भी बहुत होगा। चंबा का रुमाल आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे विश्व भर में जाना जाता है। कला की एक बहुत बढ़िया कृति उसको मानते हैं। मैं देख रहा था इसमें भी कढ़ाई और क्रोशिए का काम आपको सिखाया जाएगा। जिंदगी में काम करने के दो तरीके होते हैं, एक कि टेम्प्रेरी कुछ मिल रहा है इसको ले लो, 50 दिहाड़ी लगानी हो मनरेगा की तरह तो 15,000 रुपया मिल जाएगा 50 दिन के बाद। और अगर काम को ईमानदारी से सीखा जाएगा तो आप 50,000 रुपया महीने का कमाना शुरू कर सकते हैं। सोचना हमने है कि हमने करना क्या काम है, क्या इन 50 दिनों में जैसे कहा गया गप्पे मारी या काम अच्छी तरह सीखा नहीं तो 15,000 तो मिल जाएगा। चर्चा करने के लिए आप चर्चा भी करेंगे कि मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है। लेकिन अगर आप सही ढंग से सीखेंगे तो आपकी जो कलाकृतियाँ होंगी, जो आप कढ़ाई या क्रोशिए का काम करेंगे वो अपने आप बोलेगा और आपका सामान बिकेगा। इसलिए इसको जो कर रही है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हाथ से काम करने वाली हैंडीक्राफ्ट से जो हम हथकरघा का काम करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए केवल अपने यहाँ नहीं बाहर भी भेजें, दूसरे देशों में जाए। पंजाब की फुलकारी कई जगह जाती है, हमारा भी बहुत सामान और हमारा सौभाग्य है हम हिमाचल में हैं, तो हिमाचल में ऊन का सामान, टोपियाँ, शॉल, मफलर ऐसा बहुत कुछ बनता है। तो उसके साथ अगर हमारी कला जुड़ जाए और कला अच्छी हम सीख लेंगे तो ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, बल्कि अपने प्रदेश और देश के लिए भी नाम कमा सकेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है प्रयास संस्था की ओर से, मंत्री जी को भी, आपको भी,
और सब जुड़े हुए लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा निवेदन यही रहेगा कि दिवाली आएगी, हम कई दिए जलाएंगे। एक दिया जलता है थोड़ी देर के लिए, बुझ जाता है। हम थोड़ी देर में बुझने वाले दिए ना बने, हमसे और दिए जलें।